अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी का जो है फुल्ली एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और जो है ये हमारा एक मिशन है, इसे हम जल्द से जल्द इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे आप लोगों की सपोर्ट से। और बेटा, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों के जो टीचर हैं, ठीक है, वो भी यही बुक प्रिफर करते हैं। 12th स्टैंडर्ड की उर्दू मीडियम के लिए कोई बुक बनी ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और अगर जो बनी भी है, फॉर एग्जांपल एक डाइजेस्ट है, तो वो डाइजेस्ट के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वास्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मैं ये पूरा उर्दू में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, वर्ड टू वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी, आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन हम चैप्टर वाइज जो है स्टार्ट करेंगे और हर एक के प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। अगर आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नीड है, तो ही मैं चैप्टर को इस तरीके से आगे कंटिन्यूस करने वाली हूँ, अदरवाइज आई विल स्टॉप। आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम इस तरीके से वर्क करती है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और अगर आप लोगों ने हमारा पूरा लेक्चर सुन लिया, जो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे, स्टडी तो आपको करना ही है, कहीं भी कंटेंट आपको उर्दू में अवेलेबल नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। और अगर जो मिल भी जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है, आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ ये बेटा कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सा हम लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा कंटेंट है, तो कंटेंट देखिए हमारे पास जो है टोटल हमारे पास 15 लेसन है। आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास कुछ टेक्स्ट बुक है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक ले करके बैठना। तो बच्चा यह चीज़ याद रखो कि 15 चैप्टर है, सब चैप्टर का अलग अलग वेटेज है, एक अलग से वीडियो बना दी गई है वेटेज के हिसाब से, इसका कितना है, इसका कितना है, लेसन के हिसाब से। आप लोग को मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो 7वां और 8वां चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के टाइम पर वो चैप्टर को, इसके अलावा जो एक दो है, अगर उसको आप स्किप भी करते हो, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे, वो मैंने एक वीडियो में बना करके दे दिया है। तो आप लोग चैनल पे विजिट करो, वो मिल जाएगा, ठीक है, वेटेज के हिसाब से जो रहेगा। तो अब हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, मैं पूरा उर्दू में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, री यानी दोबारा, प्रोडक्शन यानी पैदा होना, यानी तौली, साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे अगर हम तो तौली, ठीक है। इन लोअर, इन यानी में, लोअर यानी छोटे, एंड हायर, हायर यानी बड़े प्लांट्स में, मतलब कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है छोटे प्लांट्स में और बड़े प्लांट्स में। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर हमको क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ोगे अगर आप लोग, तो बेटा दो चीज को याद रखना कि जो रिप्रोडक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन आपको हर बार आएगी ही आएगी, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी ही आनी है। चलो अब मैं बता देती हूँ आपको, अगर उर्दू में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। एक तो ये सबसे अच्छा ये है कि मैं इसको पूरा फुल्ली इंग्लिश में जो है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए भी बहुत अच्छा है कि पूरा उर्दू हो जाएगा, उर्दू मीडियम वाले लोग के लिए तो और अच्छा है कि उन लोगों के लिए ये किताब ही उर्दू में पूरी हो जा रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, चलिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन जो होता है, ये प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब यानी कि ये अपने जैसे ही ऑफ यंग वंस, अपने जैसे ही पेरेंट्स, जैसे कि जैसे कोई चीज है वो सेम अपने पेरेंट्स का ही प्रोडक्ट होता है, ऐसा समझ लो प्रोडक्शन होता है, सेम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह प्लांट्स की बात की जा रही है, तो अब अगर मैंने प्लांट्स को लिया है, प्लांट्स में मान लो मैंने रोज लिया है,
रोज गुलाब जो है मैंने लिया है, गुलाब के जो भी स्टीम्स वगैरह से अगर हम जिस तरीके से भी उसको ग्रोथ करते हैं, जिस तरीके से उसका रिप्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से उसकी पैदावार होती है, जिस तरीके से उसकी तौलीद होती है, जिस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है, तो रोज है तो रोज का जो प्लांट्स निकलेगा वो भी रोज ही होगा ना, लिली थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये याद रखो सेम कैसे होंगे, बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। ये कैसे होते, सेम अपने पेरेंट्स के जैसे होते। रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस। एसेंशियल प्रोसेस मतलब शुरुआती प्रोसेस होता है। एज इट लीड एंड कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज, मतलब के ये इसको लीड करता है, रहनुमाई करता है किस चीज के लिए, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब यानी जो जनरेशन होती है ना, साइंस के लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, स्पीसीज। तो एज वेल एज मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी दो चीज इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इसलिए कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ये एक इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे पहले कंटिन्यूटी करने के लिए मतलब लीड करने के लिए स्पीसीज किस तरीके से होंगी इसको करने के लिए, और सेकेंड चीज जो भी है लाइफ में मेंटेन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम डायनासोर, हालांकि यहाँ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन मैं एनिमल्स की एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अगर मान लो डायनासोर जो है अभी इस दुनिया में रहे ही नहीं है। क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, वो उसकी जो स्पीसीज है पूरी स्पीसीज गायब हो चुकी है, पूरी स्पीसीज गायब हो चुकी है, और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, वो सर्वाइवल नहीं कर पाए हैं ये एनवायरनमेंट में, इसलिए वो सबके सब हट गए और धीरे 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 खत्म होना चालू हो गए। जो स्पीसीज होती है वो कंटिन्यूटी होने के लिए, और जो भी स्पीसीज है कंटिन्यूटी होगी उसकी और मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है हमारे लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, दो चीजें ही है। ईच ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। हर ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके अपने खुद के ओन मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, सबके रिप्रोडक्शन के मतलब तौलीदी अमल सबके अलग अलग होते हैं। ऑल दीज मेथड जनरली फेल इन टू टू कैटेगरी। जो अलग अलग मेथड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर ही होते हैं। एक तो होता है असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो ही मेथड होते हैं। तो अब तक का हम लोगों ने क्या सीखा कि इस चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है किसकी, रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ इनिशियस प्रोसेस ऑफ द लीडिंग ऑफ कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज। ये जो होता है रिप्रोडक्शन तौलीदी अमल जो होता है वो कैसा होता है कि ये रहनुमाई करता है अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने में, और सेकेंड कंटिन्यूटी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ को। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल जिंसी तौलीद, और दूसरा होता है गैर जिंसी तौलीद। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, जिंसी तौलीद और क्या होता है, गैर जिंसी तौलीद। क्लियर हो गया बच्चा, ये दो पॉइंट है। अब मैं इसके अंदर एक चीज और बताऊंगी, बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक हमारा खत्म होगा, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ, लिख कर देती हूँ, सिर्फ उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आसान से एग्जाम्पल देकर के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कौन कौन आते हैं, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इंसान और जानवर, इन दोनों को छोड़ करके जो भी चीज बचती है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बता देती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गैर जिंसी तौलीद, तो याद रखो गैर जिंसी तौलीद के अंदर डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन,
जो फ्यूजन होता है ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्सेस। पहले मैं आपको बताती हूँ, स्टॉप। देखो सबसे पहले कंपैटिबल की मीनिंग बता दूं, एक एग्जांपल देख ले। फॉर एग्जांपल आप लोगों का नोकिया का मोबाइल है, ठीक है, एक कीपैड जो मोबाइल है वो मोबाइल है, और उसके अंदर आप लोग सी पिन का चार्जर लगा रहे हो। मोबाइल तो चार्ज करना ही है ना, सी पिन का चार्जर लगा रहे हो, क्या वो कंपैटिबल है? क्या उसके साथ कंपैटिबल दिखाएगा वो? मतलब क्या उसके साथ में जो कीपैड मोबाइल है उसके अंदर सी पिन का चार्जर लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सी पिन से चार्जर से नहीं होती चार्जिंग? होती है, लेकिन नोकिया का जो छोटा डब्बा फोन है जो कीपैड है वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, उसके लिए मतलब मौजू नहीं है। तो याद रखो, सेम यही चीज बता रही हूँ मैं, चार्जिंग नहीं होगी। अगर आप लोग स्मार्टफोन जो सी पिन का चार्जर है उस जो फोन लगने वाला है, जैसे रेडमी वगैरह जो भी लगेंगे, रियलमी वगैरह के फोन अगर उससे लग रहे हैं तो ओके, तभी चार्जिंग होगी। तो याद रखो, आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसको, फ्यूजन को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स, यानी सेक्स सेल जो होते हैं, जो सेक्स सेल जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप कैसे लिखोगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन टू कंपैटिबल सेक्स सेल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे रहेंगे तो उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा? गैर जिंसी तौलीद के अंदर सेक्स सेल शामिल नहीं होती, ठीक है, या फिर इसका फ्यूजन नहीं होता है। इट इज द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकली प्रोगेनी फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स एंड जीन्स इन द पार्टिकल। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बेटा। देखो जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली प्रोगेनी होती है। अब देखो क्लोन किसे कहा जाएगा, मैं यही बता रही हूँ, क्लोन के लिए आप लोग पढ़ लेना सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकली इंडिविजुअल आर द क्लोन। हाँ, कैसे होता है देखो बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर आप लोगों को इस पेज का जीरोक्स करवाओ, ठीक है, जीरोक्स करवाओगे बेटा तो बहुत सारे लिखा हुआ सारे सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है, सेम हुआ। चलो मान लो आपने कलर जीरोक्स करवाया, कलर जीरोक्स में भी सेम आया, लेकिन आपने 50 जीरोक्स जो है करवाया, कलर जीरोक्स करवाया, तो आपको कहीं ना कहीं से साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगी, कहीं यहाँ से साइड से कुछ होगा, कुछ यहाँ से होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर उसका प्रिंट आउट निकाला तो प्रिंट आउट पूरा सेम होगा, जो वन कॉपी होगी लास्ट 50 कॉपी भी सेम होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? क्लोन। क्योंकि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकली इंडिविजुअल, सब कुछ सेम होता है। यानी आप इसके अंदर ये चीज देख सकते हो कि जो भी मटेरियल्स होगा, ठीक है, जो भी होंगे पेरेंट्स सेल से जो भी चीजें हमको मिलेंगी वो कैसी होगी? सेम डिक्टो कॉपी होगी, ठीक है। और चूज दी रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ यू। तो आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, असेक्सुअल की डेफिनेशन सिर्फ लिखना है, और क्लोन्स क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन लिख लेना, दो तीन लाइन के अंदर लिख लेना। अगर नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे सर्च करो, नेट पर सर्च करो, सिर्फ ये दो चीज का ही करो बेटा। नोट्स बनाते बैठो, अपना खुद का नोट्स बनाओ, किसी का लेक्चर सुन के आपको वो फायदा नहीं होगा जो खुद का नोट्स बनाने से होगा। मैं सिर्फ आपको गाइड्स कर सकती हूँ। अब तक का समझ में आ गया? आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना है, रिप्रोडक्शन के अंदर इसको डालना है असेक्सुअल और सेक्सुअल, उसके अंदर असेक्सुअल की डेफिनेशन डालना है, क्लोन्स क्या होते हैं इसको एक अलग से पार्ट में लिख लो। अब असेक्सुअल के अंदर कितने टाइप्स हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने वेव है, हमको ये बताना है। तो एक तो फ्रिगमेंटेशन होता है, फ्रिगमेंटेशन कैसा होता है, इसके अंदर स्पायरो वगैरह लिया गया है। देखो सब सेम रहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रिगमेंट ड्यू टू वंस और अदर्स रीजन। जो देखो स्पायरो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, डायग्राम भी होगी, ठीक है,
इस तरीके से स्पायर वगैरह की डायग्राम होती है ना, आपको पता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और फिर ये अपने आप में नया स्पायर वगैरह तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो अपने आप में 2-3 पार्ट्स में ब्रेक होंगे, फिर वो सब इंडिविजुअल तैयार हो जाएंगे। यही बोला जा रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो अलग अलग टूट जाते हैं, जो इस तरह का ना बेटा, इसी को ऑर्गेनिज्म बोला जा रहा है। कैन ब्रेक इन टू फ्रेगमेंट्स, ये क्या होते हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हो जाते हैं ड्यू टू वन और अदर रीजन, कोई एक वजह से या बहुत सारी वजह से। एग्जाम्पल क्या है, स्पायर वगैरह फ्रेगमेंटेशन के अंदर यही होता है, ये क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्पायर वगैरह, ज्यादा नहीं याद करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है फ्रेगमेंटेशन स्पायर वगैरह, एग्जाम्पल पूछेगा हाँ। फिर बडिंग, बडिंग के देखो आपको डायग्राम दिए गए तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। बडिंग जो है अंदर एक क्या होता है, एक मदर सेल होता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मदर सेल की जो है चैनिंग बनना स्टार्ट होती है, चैन ऑफ बर्ड्स की, ठीक है। ये अपने आप में मान लो अगर ये टूट जाता है, ये मदर सेल हो गया, ये अलग हो गया, फिर ये अलग से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये चैन ऑफ बर्ड्स की होगी, ठीक है। वही चीज हमको यहाँ पर लिख कर दी गई है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अलग ही मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पूरी जो एग्जाम्पल दी हुई है आप उसको पढ़ लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बडिंग का क्या है आपको वो समझ में आ गया कि इसके अंदर मदर सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन के लिए स्पायर वगैरह है, बडिंग्स के लिए जो है हमारे पास एग्जाम्पल जो दी गई है बडिंग्स की, देखो बडिंग्स के लिए जो एग्जाम्पल दी गई है इंडिविजुअल हो जाती है ये, ठीक है। असेक्सुअल के लिए आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, तो एक काम करो अगर आप इतना पढ़ते बैठोगे एक बार पढ़ लेना, लेकिन बडिंग आपको समझ में आ गया। अब जो स्पर्म कैसा होता है देखो, ये इस तरीके से रहेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, क्या होंगी जो स्पर्म होंगे, और ये इसको क्या कहा जाएगा, ये पेरेंट सेल होंगे, ये क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट होंगे, तो सब निकल के आगे आगे जाएंगे, फिर ये अपना जो दो रहेंगे वो अलग से प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके से होता है पूरा, इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज के अंदर मैं पहले आपको बता दूं, जो देखो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मान लो फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का जो है, फ्रेगमेंटेशन का जो है क्या दिया गया है, स्पायर वगैरह दिया गया है। बडिंग, बडिंग का क्या ले सकते हो आप, ईस्ट ले लो, बडिंग में है ना दिया हुआ है ना, बडिंग में अगर नहीं भी दिया होगा तो आप इसकी एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, ईस्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लो, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का आप क्या लोगे, एल्गी ले सकते हो, इसको एल्गी भी बोला जाएगा, ठीक है, एल्गी ले सकते हो अगर आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है तो, चैलमेडोमोनास को लिखना है तो फिर आपको क्या लिख सकते हो, एल्गी लिख सकते हो। फिर बाइनरी फ्यूजन दिया हुआ है, देखो बाइनरी फ्यूजन ध्यान दो यहाँ पर दिया हुआ है, बाइनरी फ्यूजन का आप क्या ले सकते हो, अमीबा लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या दिया हुआ है, हाँ कॉनिडिया फॉर्मेशन, कॉनिडिया फॉर्मेशन का क्या लिख सकते हो आप, पेनिसिलम ले सकते हो। फिर उसके बाद गेम्यूल का क्या लिखोगे आप, गेम्यूल का फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन का क्या लिख सकते हो, स्पंज ले सकते हो। इतना हार्ड हार्ड दिया हुआ, एक सेकेंड में लिखी हूँ मैं आपको वो दिखा देती हूँ, तो आप किस तरीके से ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो, इस तरीके से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में ईजी रहे, बस यही लिखना बच्चा। क्वेश्चन वापस से बता रही हूँ, प्लीज ध्यान दो, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, आ गया अलगी, अलगी की स्पेलिंग आ जाएगी ना, चलिए ठीक है। अब देखो बेटा ये जो मैंने बताया, अगर क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और फिर उसकी टाइप्स भी लिखना है आपको, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये लिखकर फिर आपको क्या करना है, मतलब पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पूछता है मेथड, सिर्फ आपको पूछेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे बताना है आपको, सिर्फ मेथड बताने हैं, तो आपको क्या लिखना है, ये मेथड जो है आपको लिख कर लेना है, ठीक है। ये पूरे मेथड जो है 2 मार्क्स के लिए आपको अगर पूछेगा तो ले सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये बताने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है लास्ट पॉइंट में लूंगी, ये वाला बहुत ईजी है। इसके बाद हमारा जो है 2 हिस्से में था ना, एक असेक्सुअल था फिर दूसरा सेक्सुअल था, तो हम पहले असेक्सुअल पढ़ के हटा देंगे, असेक्सुअल यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेक्सुअल दूसरे पॉइंट में लेंगे, समझ रहे हो ना पॉइंट को। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है हमको दिया हुआ है,
तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ पूरे बुक्स को अच्छे तरीके से सेट करके। हाँ, आपको दिया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आपको पहले दे पूरा पढ़ लेना है आपको। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो क्या होंगे, रिप्रोडक्ट्स होते हैं असेक्सुअल थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स के, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये मेथड जो है होता है रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव मेथड होता है। ये क्या मेथड होता है, इसके अंदर तीन चीजें होती है। ये क्वेश्चन भी आता है ना, ये क्वेश्चन भी आएगा, एक दो मार्क्स में पूछा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, आपको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा। तो तीन से है, एक तो कटिंग है, एक तो ग्राफ्टिंग है और एक तो क्या है, टिश्यू कल्चर है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज लिखना रहेगा, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। तो आपको इस तरीके से लिखना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसके अंदर जो है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल मेथड से यूज किया जाता है इसको, और बहुत ही ज्यादा वेरियस टाइप के जो होते हैं इसके अंदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और इसके जो मेथड्स होते हैं तीनों दिए हुए। सबसे ज्यादा फोकस आपको ये तीन पर ही करना है, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। ये बेटा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो है प्लांट्स जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, देखिए मैं हाईलाइट कर करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए रूट्स दिखा, रूट्स ये जो रूट हुआ, ठीक है, और स्टेम ये दो हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये लीफ, ये लीफ हुआ, क्योंकि चाहे ब्रांचेस लो चाहे लीफ हो, एक लेंगे तो वो लीफ होगा। बहुत सारा उसका जो है पूरा, देखो इस तरीके से अगर हमको जो दिया गया है यहाँ पर, इसके पॉइंट पर देखो, ये वाला पॉइंट, ये पूरा लेंगे तो ब्रांच, दैट मीन्स टोटल पांच हिस्से होते हैं फ्लावर्स के, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के पांच हिस्से होते हैं। उसके अंदर से दो अलग होता है बेटा, दो कैसा होता है, अलग होता है फ्लावर्स और फ्रूट्स, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ तीन हिस्से ही आते हैं। कौन कौन सा आता है, एक रूट आता है, एक स्टेम आता है और एक लीफ आता है। तो इसी चीज को क्या किया जाता है, कट करके जो है इसका मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है। तो इसके अंदर कटिंग भी होगी, ग्राफ्टिंग भी होगी और टिश्यू कल्चर भी होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, फ्लावर्स और फ्रूट्स को छोड़ देना। मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है मैंने बताया आप लोगों को, उसके अंदर से पहला हिस्सा कटिंग है। तो कटिंग को हम किस तरीके से लेंगे बच्चा, कटिंग के भी हमको क्या करने का है, तीन तरीके होते हैं। नंबर वन कौन सा है, लीफ कटिंग, नंबर टू स्टीम कटिंग और नंबर थ्री रूट कटिंग। आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैंने रोज लिया है, तो रोज के अंदर मैंने क्या कट करना है, इसके अंदर स्टीम कटिंग हो गई है। ये क्या है, स्टीम कटिंग है। कौन सा है, स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग की एग्जाम्पल कौन है, रोज है। और क्या क्यों कट किया जाता है, ताकि हमको इससे क्या हो सके, अच्छे अच्छे प्लांट्स जो है और मिल सके। तो रोज को देखिए इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पर कट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये सेकंड वाला है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लीफ कटिंग। ये देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, सेंसवीरिया जो है हमारे पास, ठीक है, सेंसवीरिया जो है ऐसा प्लांट्स होता है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से होता है। ये अपर साइड का देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये कौन सा साइड का है, अप साइड का है। कौन सा साइड का है, ये अप साइड का है, ठीक है बच्चा। और इसके बाद सेकंड जो है, मतलब इसका बैक हिस्सा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या है, सेंसवीरिया जो है, इसकी कौन सी एग्जाम्पल होती है, ये लीफ कटिंग की। मैंने आप लोगों को स्टीम कटिंग का क्या बताया, रोज बताया, और लीफ कटिंग का कौन सा बता रही हूँ, सेंसवीरिया बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आएगा कौन सा है, रूट कटिंग। रूट कटिंग के लिए, एक सेकेंड ना बेटा, रूट कटिंग के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। रूट कटिंग के लिए हमारे पास देखिए क्या है, एग्जांपल ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी इस तरीके से होती है, और इस तरीके से होने के बाद देखिए इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, रूट कटिंग की जाती है। रूट समझ में आ रहा है ना, इसकी रूट कैसे होगी, आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने रूट कटिंग के लिए भी इमेजेस जो है जाकर के लिया है। तो ये कौन सी हो जाएगी, रूट कटिंग। मतलब कटिंग के अंदर तीन चीज़ें थी, पहला कौन सा था, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग की एग्जांपल कौन सी है बेटा, स्टेम कटिंग की एग्जांपल हमारे पास कौन सी रहेगी, रोज। लीफ कटिंग की कौन सी है, सेंसिबीरिया। और फिर रूट कटिंग की कौन सी रहेगी, ब्लैकबेरी। आपको इतना समझ में आ गया, चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखो बेटा ये ग्राफ्टिंग है, यहाँ पर क्या दिया गया है,
कि दो प्लांट्स लिए गए हैं, ठीक है, दो प्लांट्स लिया जाएगा और यहाँ पर क्या किया जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा एक जो है एक प्लांट को दूसरे प्लांट्स में। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो अगर एक प्लांट्स है, ठीक है, मान लो एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जो जड़ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो आम का पेड़ हमको आम दे ही नहीं रहा है, एक दरख्त ऐसा है। और दूसरा कैसा है कि जो जड़ है उसकी जड़ खोखली हो चुकी है, ठीक है, पहले वाली जड़ बहुत अच्छी है, दूसरे आम के दरख्त की जड़ कैसी हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, लेकिन उसका दरख्त जो है आम बहुत अच्छे देता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जड़ खोखली हो चुकी है, इसका दरख्त बहुत अच्छा है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ देखो ये वाला जो है इसको इसमें कट करके लगाया जाएगा, इस तरीके से कट किया जाता है और उसको इस तरीके से रस्सी से बांध दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाएगा, रस्सी से बांध दिया जाएगा, ठीक है। जो ये हिस्सा जिसमें कटिंग की जा रही है उसको क्या बोला जाएगा, सियॉन, और जो नीचे का हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या बोला जा रहा है, ये मेथड में हमको कंटेनिंग करना पड़ता है और ऐसा ही रहेगा जिसमें बर्ड्स हो, बर्ड्स मतलब कली दिखाई दे, देखो यहाँ पे कली दिखाई दे रही है ना, ऐसे ही लिया जाएगा, प्लांट्स में लिए जा रहे हैं, तो इसे बड़े बड़े तरीके बड़े बड़े प्लांट्स में भी किया जाता है ये मेथड। यही मेथड्स को क्या बोला जाएगा, देखिए जो बर्ड्स वाला हिस्सा रहेगा सियॉन इज ज्वाइंट ऑन टू रूट, उसको किस पे किया जाएगा, रूट्स के ऊपर ये जो प्लांट्स रहेगा और ये प्लांट्स क्या कहलाएगा, स्टॉक, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्टॉक है, जो हिस्से से जड़ से ज्वाइन किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, सियॉन। ये कौन कौन से चीज़ों में किया जाता है, एप्पल में किया जाता है, पियर्स में किया जाता है और रोज़ में, मतलब सेब में, नस्पति और गुलाब, ये चीज़ों में ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ग्राफ्टिंग मेथड भी समझ में आ गया। दो अलग अलग हिस्से रहेंगे, एक को क्या किया जाएगा, एक का हिस्सा लिया जाएगा, दूसरे के हिस्से में ज्वाइन किया जाएगा, जैसे यहाँ छीला जा रहा है, छील के इसको क्या किया जाएगा, कट करके अच्छे से उसको स्टॉक किया जाएगा। क्लियर हो गया, अभी हमारा हो गया। थर्ड वर्ड हमारा चलेगा टिश्यू कल्चर। ये कैसा होता है, इट इज़ मेथड बाय विच अ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू इज़, यानी कि ये जो मेथड होता है ये बहुत ही छोटे प्लांट्स को, मतलब यानी कम जगह में बहुत ही अच्छे तरीके से उगाए जाते हैं, केयरफुली ग्रो किए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब के माइक्रो ने छोटा, प्रोपोगेशन ने उसकी देखभाल करना, उसको उगाना, ये जो है ये यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है लेबोरेटरी वगैरह में, कम स्पेस में क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाए जाते हैं, जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उसको क्या किए जाते हैं, गमले वगैरह में रख दिए जाते हैं। और जो इसकी एग्जाम्पल है बेटा वो क्या होगी, कैरेट और मस्टर्ड, कैरेट और मस्टर्ड। तो ये चीज़ याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आपको पूछा गया था कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है मगर इसकी एग्जाम्पल हमेशा पूछता है। तो ठीक है, अब हम यहाँ तक ही इनफ करते हैं, अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए, तब जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए।